कल देर रात कश्मीर के दो अलग अलग इलाकों में एनकाउंटर चल रहे थे और उसी बीच हम आपको बता दें कि हम भी आपको इसके ऊपर अपडेट दे रहे थे। अब जो फाइनल अपडेट इसके ऊपर आया है, हम आपको बता दें कि 6 आतंकी जो हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया है। दो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर चल रहे थे, जिसमें अनंतनाग के इलाके में जो एनकाउंटर था वो शुरू हुआ था, उसके बाद देर रात कुलगाम के इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ और इन दोनों एनकाउंटर साइट से जो कामयाबी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो जैश ए मोहम्मद तंजीम के ये आतंकी थे और इसमें से 2 आतंकी जो थे वो पाकिस्तानी आतंकी थे, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे। बाकी अन्य जो आतंकी थे वो 4 लोकल टेररिस्ट थे और उनको न्यूट्रलाइज किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। वहीं हम आपको बता दें कि जब एनकाउंटर शुरू हुआ था अनंतनाग के इलाके में तो हमारे आर्मी के जवान और उसके साथ साथ पुलिस के जवान उसमें इंजर्ड हुए थे, लेकिन अब एक दुखद खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें हमारे जो आर्मी के जवान उसमें इंजर्ड हुए थे वो शहीद हुए हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हालांकि इंजरीज काफ़ी ज़्यादा थी और रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये जो खबर है हम लेकर आए हैं, आईजी कश्मीर ने भी इसके ऊपर खुल के जो है वो बयान दिया है एनकाउंटर के ऊपर और बताया है कि किस तरह स्ट्रेटजी बनाकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिसमें आर्मी है, CRPF है, पुलिस है, उन्होंने मिलकर ये जो एनकाउंटर है उसको कंडक्ट किया और दो अलग अलग जगहों पर जो आतंकी हैं उनका सूमड़ा साफ किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर भी अब 2 दिन बाद है और साल 2021 की बात करें तो काफ़ी कामयाबी अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज को मिल चुकी है, जिसमें कई सारे हार्डकोर आतंकी और ख़ास तौर पर जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको भी मार गिराया है। आपको याद दिलाते चलें तो कई जो ID एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ साथ कई आतंकियों को जम्मू रीजन से भी जिंदा पकड़ा है, कश्मीर के इलाके से भी जिंदा पकड़ा है। तो 2021 जो साल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहा है वो काफ़ी कामयाबी भरा रहा है और इसी का सबूत है कि कल देर रात जो एनकाउंटर है वो किया गया और 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट से ये कामयाबी मिली है। आंकड़ा बताएं तो 6 आतंकियों को मार गिराया है। अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एनकाउंटर्स के बीच में तेज़ी की है और उसी का सबूत है कि एक के बाद एक आतंकी को ढेर किया जा रहा है। कैमरा मैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।